नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से पथराड़ में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ओर मालन नदी पर पुर आने से और दूसरी तरफ नर्मदा में आई बाढ़ से पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें ग्राम टापू में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने नाव से लोगों को घरों से बाहर निकाला है। इस भीषण आपदा के समय कोई जिम्मेदार अधिकारी ग्राम में नहीं आया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद पथराड़ से 4 किलोमीटर बड़वा धामनोद मार्ग पर नांद्रा में सुबह 10:30 बजे वाहन रोककर चक्का जाम कर दिया गया। पथराड़ से करीब 1000 महिला पुरुष बड़वा धामनोद मार्ग पर आ गए व सड़क पर बैठकर वाहन रोक दिए गए, जिससे 3 घंटे आवागमन बंद रहा। बाढ़ प्रभावितों ने सर्वे कर उचित मुआवजे की मांग की और पुनर्वास की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण अशोक वर्मा ने बताया कि शुक्रवार की रात को आई बाढ़ से पुराना पथराड़ पूरी तरह से डूब गया, परंतु कोई भी जिम्मेदार अधिकारियों ने हमारी सुध नहीं ली। दिलीप वर्मा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए और राहत राशि दी जाए। राहुल वर्मा और कमलेश चौहान का कहना है कि पथराड़ में बाढ़ के कारण ग्रामीण परेशान होते रहते हैं, पुनर्वास कर उसका स्थायी हल निकाला जाए। अचानक किए गए चक्का जाम से वाहन चालक और यात्री परेशान रहे। ग्रामीणों की समझाइश पर एम्बुलेंस व दोपहिया वाहनों को निकाला गया। नायब तहसीलदार प्रदीप सिंगलू की समझाइश पर 3 घंटे बाद चक्का जाम हटाया गया। सर्वे के लिए टीम का गठन किया गया है, जल्द ही प्रभावितों का सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। नांद्रा से शिवशंकर रोकड़े की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? तो क्या यहाँ चक्का जाम क्यों कर दिया था? हमारे गांव में पानी भर गया, हमारे घर में बिल्कुल कोई भी व्यवस्था नहीं है। 4 दिन हो गए, हमारे घर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमको कोई अधिकारी देखने नहीं आया, ना सुनने आया। हम 4 दिन के स्कूल में पढ़े, स्कूल में भी हमको बाहर कर दिए। हमारे बच्चे मांग मांग के हम रोटी खा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। आज स्कूल से भी बाहर हमको निकाल दिए, कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी, इसलिए हमने चक्का जाम करा है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ रहते हो? अच्छा, तो ये यहाँ पर चक्का जाम क्यों कर दिया आप लोगों ने? सर, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं हम, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा पुनर्वास है, जल्दी जल्दी हमारा गाँव मकान नहीं रहा गाँव में, सब जमीने दे रहे हैं। शिवराज सिंह महाराज से हमारे निवेदन है, जल्द से जल्द हमारा पुनर्वास करवाए। नाम है आपका भैया? अशोक वर्मा। कहाँ रहते हो? पथराड़ खुद में। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सबके पूरे ग्रामीण क्षेत्र की है, पूरा ये तो गांव का है, तो सबके डूब गए है। प्रशासन तरफ से कोई तो साथ ध्यान दे नहीं रहे उसमें। हमारा चाहिए तो सबका निवेदन ये है ग्रामीण क्षेत्र का कि हमारे को पुनर्वास कहीं भी करवा दो, हमें तो कहीं फ्लैट दे दो, हम कहीं भी टापरे बांध के रह लेंगे, नहीं तो पल्ली बांध के रह लेंगे हम सबके साथ, हमारा जीवन तो बच जाएगा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।